शहर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और श्री रामलीला सभा के माध्यम से श्री राम बारात शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लोग काफी आकर्षण बनाए हुए हैं। आप यहां पर यह तस्वीर देख सकते हैं कि बाकायदा शोभा यात्रा में खास तौर से यहां पर राम और लखन बाकायदा काफी सुंदर रूप में यहां पर विराजमान है। यहां यह शोभा यात्रा वास्तव में ही एक अलौकिक रूप यहां दर्शा रही है। इस दौरान रामलीला सभा के अध्यक्ष हैं, उनसे एक बार बात करने का प्रयास कर लेते हैं। और आज जो है ये शोभा यात्रा निकल रही है जो राम बारात की, लोगों ने बहुत भव्य स्वागत किया और बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग बहुत आनंद ले रहे हैं आज की शोभा यात्रा। और खास झांकी कौन सी है? आज जो है काफी अलौकिक झांकियां जिसमें भगवान राम, राधा कृष्ण और विभिन्न रूप में अघोरी का भव्य स्वरूप इसमें दिखाया गया है। शंकर पार्वती का भी रूप अलग से दिखाया गया है। भव्य आतिशबाजी भी है, बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा का नगर वासियों ने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया है। फूल मालाओं से भी रेफ्रेशमेंट लेकर के भी जगह जगह रामलीला कलाकारों का भी, रामलीला कार्यकारिणी का भी और जो झांकियां वगैरह निकली हुई हैं उन सभी का भव्य स्वागत शहरवासियों द्वारा किया जा रहा है। रामलीला कार्यकारिणी इन सभी शहरवासियों का धन्यवाद करती है। जय श्री राम। मेरा नाम अमित पिचल है और आज हमारे भगवान श्री राम की बारात का आयोजन किया जा रहा है और मैं इस मौके पर सबको कहूँगा कि एक बार रामलीला ग्राउंड में मैदान में आ गए और हमारे भव्य आयोजन का आनंद। श्री राम की शोभा यात्रा के दौरान आप यह तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस राम बारात में ऋषि मुनि भी शामिल हुए हैं और कुछ तस्वीरें आपको पीछे भी जरूर दिखा देना चाहते हैं कि अलौकिक दृश्य जो है वो यहाँ देखा जा रहा है। खास बात ये है कि इस तरह की शोभा यात्रा जो है एनसीआर सोनीपत में श्री रामलीला सभा के माध्यम से निकाली जाती है और अलौकिक नजारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वास्तव में ही श्री राम बारात के दौरान यह अलौकिक दर्शन बहुत ही सुंदर है। इस शोभा यात्रा के दौरान अब आप यह भी तस्वीरें यहां देख लीजिए। काफी अलौकिक रूप जो है इन ऋषि मुनियों का यहां पर नजर आ रहा है और श्री राम बारात में शामिल हुए हैं। पर यह तस्वीर भी देख लीजिए, श्री गणेश के साथ यह भी श्री राम बारात में शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। श्री रामलीला शोभा यात्रा के दौरान अब जो यह आप तस्वीर देख रहे हैं नारद मुनि की है और राम की जब सवारी निकलती है तो सबसे आगे यह नारद मुनि चलते हैं। जिस तरह से अभी आपने श्री राम शोभा यात्रा के दौरान मनमोहक झांकियां देखी हैं, वास्तव में ही पिछले 300 वर्षों से श्री रामलीला सभा के माध्यम से मनमोहक रामलीला और मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं।
हरियाणा।